लो। हेलो ऑल, माय नेम इज हरदीप इंद्र पाल सिंह एंड टुडे वी आर अनबॉक्सिंग आवर मशीन, न्यू मशीन विच इज़ फ्रॉम एलजी कंपनी। और ये एलजी कंपनी की मशीन है। सो हमने ये नियरली 25,000 की बाई की है। सो ये लोकली जो डीलर है उससे बाई की है, ऑनलाइन बाई नहीं की बाकी। मैंने सोचा मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डालता हूँ। कोई नेक्स्ट टाइम कोई भी परचेज करे उसको थोड़ा सा उसकी बाइंग जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाए एंड उसको थोड़ा सा बाय करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करे। काफ़ी मशीनें मेरे माइंड में थी जब बाय करने लगा, लाइक वायरपूल की थी, एलजी की थी एंड और कई ब्रांड है जो मैंने कंसिडर किए थे जब मैं सोच रहा था। माई सिस्टर सजेस्ट मी डैट यू शुड बाय एलजी कंपनी मशीन बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग एलजी ब्रांड मशीन एंड इट इज़ गोइंग वेरी गुड एट देयर होम। वी ऑल्सो एंड माई फैमिली डिसाइड टू बाई एलजी मशीन। इसकी जो कैपेसिटी है ये 11 kg है इसकी, इस मशीन की कैपेसिटी। और ये नियरली मैंने पहले भी बताया आपको, ये 25,000 के नियरली मेरे को पड़ी है। बाकी ये 5 स्टार है, इसका मतलब 5 स्टार है, ये पावर थोड़ी सी कम कंज्यूम करेगी। इसकी मैं कलर वगैरह चेक करते हैं, अभी मेरे को पता नहीं है कि कलर कौन सा होएगा। और ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है क्योंकि फुली ऑटोमेटिक मेरे पेरेंट्स ने यूज़ करनी होती है और मैं तो एक्चुअली चंडीगढ़ ही रहता हूँ, तो इन्होंने यूज़ करनी है तो हमने फिर सेमी ऑटोमेटिक ली है। इनको भी थोड़ा सा ईजी रहे यूज़ करने के लिए। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने लगा तो आपको फीचर इसके वगैरह दिखाता हूँ, कैसी कैसी इसकी लुक है, कैसी ये चलती है। मैं आपको खोल के इसको दिखाता हूँ। और एलजी ब्रांड काफ़ी अच्छा है एंड इसकी हमें नियरली 5 ईयर्स की इसकी मतलब वारंटी दी है कंपनी की तरफ से मिली है। सो दिस इज मशीन, ये काफ़ी अच्छी है। इसका कलर ब्लैक है एंड इधर से थोड़ी थोड़ी ब्राउन है मशीन थोड़ी सी। बाकी इसकी गुड है, फुली पैक्ड है। और ये इसका वाशटब होगा और ये इसका तो कपड़े सुखाने वाला जो होता है, जो ड्राई टब होता है, तो ये उसका वो है। एंड ये इसके साथ इसका मैनुअल मिला है काफ़ी अच्छी है, दिखने में काफ़ी अच्छी है। बाकी आज हम कपड़े वॉश करके देखेंगे, सर्दियां आ गई है तो देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो इसलिए मैंने फिर अनबॉक्स कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले सर्दियों के कपड़े हम धोएंगे। तो ये इसका काफ़ी अच्छी है, पैकिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी है। बाकी इधर देख लेते हैं, ये इसका वाश सिलेक्टर है, पानी किस जगह पे जाए। इधर शायद इसकी पाइप लगेगी। ओके एंड ये सोक एंड वॉश टब है, वॉश टब का टाइमर है जो भी कितना टाइम आपने इसको रोटेट करवाना है। और ये वाश सिलेक्टर है एंड ये ड्रेन सिलेक्टर है, कोई ड्रेनेज के लिए होगा, बाकी मैंने इतना इसकी मेरे को पता नहीं। बाकी जस्ट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप इसको देख लो भाई कैसी दिखेगी। काफ़ी अच्छी मशीन है और बैक साइड इसकी ठीक है। और ये इसकी वायर है, वायर थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी लंबी होती है वायर, वायर थोड़ी सी छोटी है। चलो कोई ना, हमारे उधर वो लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, हमारे बैक साइड पे रखेंगे इसको। बाकी इसके व्हील्स वगैरह के लिए भी हम वो बनवाएंगे। काफ़ी अच्छी मशीन है, कलर बड़ा अच्छा है। सो आई विल सजेस्ट यू विल बाय दिस कलर। एंड इधर इधर इसके सेटिंग्स वगैरह दे रखी है क्या है। बाकी इसमें वो ज़्यादा ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं है, जो सिंपल ही है, जो पुरानी ओल्ड टाइप मशीन्स नहीं होती वैसी है।
और अच्छी भी है इसकी मशीन है, जो इसकी मोटर है वो काफ़ी पावरफुल है एंड ठीक है। बाकी आज इसको टेस्ट वगैरह करेंगे। ये इसका ड्रायर हो जाएगा, इसका ड्रायर हो जाएगा, और ये इसके ये पाइप वगैरह निकली है इसकी। फ्रंट पे बैठ जाओ भाई। और ये पाइप्स वगैरह इसकी निकली है। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल डैट यू विल बाय एलजी मशीन। एलजी काफ़ी अच्छा ब्रांड है गैजेट्स के मामले में और मशीन्स के मामले में। हम रिफ्रिजरेटर तो वायरपूल का यूज़ कर रहे हैं एंड मशीन पहली बार हम एलजी की मशीन यूज़ कर रहे हैं। बाकी इससे पहले कई प्रोडक्ट यूज़ किए हैं एलजी की। एलसीडी वगैरह हमने यूज़ की है तो काफ़ी अच्छी होती है एलजी के प्रोडक्ट। और ये इसके साथ पाइप मिली है जो पानी निकालने के लिए होती है एंड ये इसके इधर लग जाएगी। और ये जो गोल चक्कर रहा है ये इसके जो होता है वो कपड़े सुखाने वाला जो कॉलम होता है उसके लिए होता है, कपड़ा बाहर निकल के कहीं साइड पे नफस है तो ये इसके लिए होता है। ये इधर लग जाता होता है एंड ऐसे करके ओके। एंड ये जस्ट इसको पानी देने के लिए ये इधर लग जाएगी ओके। एंड ये इसका जो आपका मेन टैप होती है वो उधर इसके वो लग जानी है ये तो। बाकी काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर आप भी ये मशीन लेने की सोच रहे हो तो आप अमेज़ोन से बाई कर सकते हो, तो सेम ही आपको थोड़ा सा अमेज़ोन से कम प्राइस में मिल जाएगी। और मैं वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा अपनी वीडियोस में जो मेरे टॉप 5 वॉशिंग मशीन्स का, तो उनमें से कोई भी आप बाय कर सकते हो मेरे लिंक के थ्रू एंड सो आपको होम डिलीवरी उसकी मिल जाएगी। तो एंड नीचे कमेंट कर देना भाई आपको जो आपने मशीन बाय करी है वो कैसी रही आपके लिए। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली वॉच लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे आपको आपकी जो होम होम के रिगार्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम खुद घर पे यूज़ करते हैं वो मैं रिव्यू करता रहूँगा। और एंड इसकी जो जो बाकी इसकी परफॉर्मेंस होएगी उसकी जो नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में आपको बता दूंगा भाई ये कैसे वर्क करती है, ये सब सभी के फंक्शन वो मैं आपको बता दूंगा। सो आई विल सजेस्ट यू डैट यू शुड बाय बाय दिस मशीन। थैंक यू।